महासूर्य प्रज्ञा सूर्य के अंत का दिन। महासूर्य प्रज्ञा सूर्य का आज ही के दिन अंत हो गया था। समस्त आंबेडकरी अनुयायी ही नहीं तो समस्त भारतवासी अनाथ हो गए। जिन्होंने डॉक्टर आंबेडकर जिन्हें कहा जाता है, बाबा जिन्हें कहा जाता है, वो पूरे भारतवासियों को आज ही के दिन अनाथ कर गए। वो तो चले गए, मात्र उनके विचार और विचारों के साथ वो आज भी भारतवासियों के, हर भारतवासी के दिल में जिंदा है। और यही भारतवासी, नागपुरवासी आज संविधान चौक में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन करने पहुँचे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर अम्बेडकरी अनुयायी उन्हें नतमस्तक होने आए हैं, उन्हें आदरांजलि देने आए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। उनका कार्य, उनका जो कार्य है, वह आज भी उनके दिलों में जिंदा है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांना आज सकाळला विश्वविख्यात ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल या ठिकाणी विशेष बुद्धवंदनेच्या माध्यमातून मानवंदना देण्यात आलेली आहे। आणि आज संपूर्ण जग बाबासाहेबांचा महापरिनिर्वाण दिवस पाळत आहे। मला असं वाटते की हा दिवस संकल्प दिवस म्हणून साजरा केला पाहिजे। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला समाज आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला देश निर्माण करण्याकरिता आपण सर्व कटिबद्ध राहिलं पाहिजे आणि म्हणून हा संकल्प दिन म्हणून आपण सर्वांनी पाळला पाहिजे अशी मी सर्वांना विनंती करते। काही इथे आंबेडकर स्मारकाच्या अंबाझरी तलावाच्या जवळचं जे आंबेडकर स्मारक आहे त्याच्या संबंधी आंदोलन सुरू आहे, त्यासंबंधी आपली काय भूमिका आहे? मला असं वाटतं की या ठिकाणी जी मागणी आहे ती मागणी ज्या लोकांनी केलेली आहे आणि मागणी करणं हा अधिकार आहे, त्यामुळे त्यांनी ती मागणी केली आहे, त्याच्यासाठी ते लढा देत असते। पण मला असं वाटते की या ठिकाणी जे इंदू मिलचं भव्य दिव्य असं स्मारक होणार आहे चैत्यभूमीला आणि उत्तर नागपूरला मोठं असं बाबासाहेबांचं स्मारकसुद्धा तयार होत झालेलं आहे आणि त्याचं अधिवेशन काळामध्ये उद्घाटन पण होणार आहे, तर असे बाबासाहेबांचे स्मारक आपण तयार केलेले आहेत, त्या माध्यमातून बाबासाहेबांचा विचार हा लोकांपर्यंत पोहोचवणं जास्त महत्त्वाचं असं मला वाटतं। महामानव विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांनी या देशाला केवळ राज्यघटना दिली नाही तर या देशात लोकशाहीचं राज्य राहावं, लहान असो, मोठा असो, थोर असो, श्रीमंत असो किंवा गरीब असो, यांना समान न्यायाचा अधिकार मिळावा यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले आणि नियम बनवले, कायदा बनवला, अशा महापुरुषाला आज त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी अभिवादन करायला आम्ही सगळे लोक या ठिकाणी एकत्रित आलेलो आहे। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जरी आमच्या जीवनात आज नसले परंतु त्यांचे विचार आणि त्यांचे मूल्य हे सदैव आमच्यासोबत राहतील हीच या प्रसंगी मनोकामना व्यक्त करतो आणि त्यांना आदरांजली व्यक्त करतो। डॉक्टर आंबेडकर ने समता सैनिक दल के रूप में एक मजबूत संगठन हमें दिया था, वही समता सैनिक दल के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे इस महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में, क्या भावनाएं आप प्रकट करेंगे? मेरा नाम उत्कर्ष परशुराम जोड़ापे है, मैं समता सैनिक दल का सैनिक हूँ। तो महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी जनता से यही अपेक्षा करूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संगठनाएँ बनाए हैं, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन संगठनों में सभी भारतीयों ने बढ़ चढ़कर सहभागी होना चाहिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन जो चल रही है, ये सिचुएशन को देखते हुए बाबा साहब ने जो संगठन स्थापित की है उनमें सहभागी होकर आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मनुवादी लोगों ने वैसे ही आम्बेडकरी समाज को खोखला करके अपना वर्चस्व गाज लिया है, तो मैं सभी आंबेडकरवादी जनतों से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि उन्होंने, बाबा साहब ने जो संगठनें स्थापित की है उनमें सहभाग होकर अपने आंबेडकरी समाज को एक ऊंचे लेवल पर पहुँचाना उनकी कर्तव्य दक्ष जवाबदारी है। बस
समता सैनिक दल के एक सैनिक होने के नाते क्या कहेंगे कि समता सैनिक दल के माध्यम से किस तरह बाबा साहब के विचार आज भी जीवित आप रखना चाहेंगे, किस तरह से क्या उपाय योजना करेंगे, क्या अभियान चलाएंगे कि समता सैनिक दल के माध्यम से बाबा साहब के जो विचार थे वो आज भी जीवित रहे। नीलेश बागड़े बोल, मेरा नाम नीलेश बागड़े है। जो बाबा साहब ने हमें सामाजिक न्याय के लिए जो लड़ने के लिए जो हमें एक संगठन दी थी उसका नाम समता सैनिक दल है। और एक समता सैनिक दल है कि जो हर एक भारत में जो रहने वाला एक जो कोई जनमानस है उनके जो भी विषय है उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार है उनको रास्ते पर लाने का काम समता सैनिक दल कर सकती है। और समता सैनिक दल ही है कि जो ऊँचे लेवल पर या उनकी कोई जो उनका जो कोई विषय है विषय को हैंडल कर सकते हैं। तो समता सैनिक दल के आप चाहोगे कैसे कि हर घर से एक बच्चा समता सैनिक दल में जुड़ता है तो अपने समाज के प्रति जो जवाबदारी है वो उसके दिमाग में जब आएगी तो वो हर किसी को वो अपनी जवाबदारी से मुक्त हो पाएगा। तो समता सैनिक दल में आकर ही उसको अपनी जवाबदारी का एहसास हो पाएगा और किसी के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहा है तो वो उसी तौर से वो लोगों को बताएगा और उसी माध्यम से हम लोग समता सैनिक दल काम कर पाएंगे। माझं नाव हिमांशु लांडगे, मी मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, माझं एमटेक चालू आहे। माझे आजोबा विदर्भ नागविदर्भ डिव्हिजनचे अध्यक्ष भाऊरावजी लांडगे, मी त्यांचा नातू आणि आज 66 वर्ष पूर्ण होत आहे बाबासाहेबांना महापरिनिर्वाण होऊन। माझं एक मत असं आहे की 66 वर्ष पूर्ण झाले पण आपण आणि आपला समाज हा किती समोर गेलेला आहे याबद्दल आपणनी विचार करायला हवा। खरोखर एक विचार मांडला तर इथे फक्त संविधान चौकमध्ये लोक फक्त फोटो काढायला येतात, त्याऐवजी त्यांनी विचारांची देवाणघेवाण करायला हवी, माणसांना बौद्ध धर्माची जागृती निर्माण करायला हवी की जे बाबासाहेबांनी आपल्यासाठी केलं, जे आपल्यासाठी बौद्ध धर्म घडवला त्याबद्दल त्यांनी थोडी विचार त्यांनी सामोर न्यायला हवे। आणि त्याचबरोबर एक माझं एक निवेदन असं आहे की नागपूर डिव्हिजनचे जे समता सैनिक दलाचे जे अध्यक्ष आहे भाऊरावजी लांडगे त्यांच्या वतीने मी सर्वांना असं जाहीर सूचना करतो की जास्तीत जास्त युवा पिढीने समता सैनिक दलात सामील व्हावं आणि आपल्या युवा संघटनेनी बाबासाहेबाच्या समता सैनिक दला सामोर न्यावा अशी विनंती। जय भीम जय भारत। डॉक्टर आंबेडकर को जाकर बहुत साल हो गए हैं, 6 दिसंबर आज के दिन महापरिनिर्वाण दिन है उनका, क्या भावनाएं व्यक्त करेंगे, किस तरह डॉक्टर आंबेडकर को आप विचारों में और कार्यों में जीवित रखना चाहेंगे? मैं सुनील साजुपुत्ता समता सैनिक दल का नेशनल ऑर्गेनाइजर हूँ। आज के दिन बाबा साहब को याद करते वक्त हम लोगों ने तमाम अम्बेडकरवादियों ने ये नहीं समझना चाहिए कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में है, उनके विचार है और उनके संगठन है। समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया राजनीति के धरातल पर छोड़ दीजिए मगर वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है मदर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं समता सैनिक दल, ये बाबा साहब ने 1926 को स्थापित किया हुआ संगठन है समता सैनिक दल। और समता सैनिक दल एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आज देश के जो हालात हैं उन हालातों के ऊपर यानी बाबा साहब ने जो संविधान में जो बातें नीत की थे लिखी थी कि समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय ये जो सूत्र जो है जो संविधान के द्वारा हम लोगों को दिए आज 2014 से हम ऐसा देखते हैं कि तमाम देशवासियों में जो भी दबे कुचले सभी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है चाहे वो प्रेस मीडिया हो या सभी लोगों के अधिकारों को सीमित किया गया है। यानी एक हिटलरी जो राज है उसको हम देख रहे हैं और इससे निकालने के लिए बाबा साहब का संविधान सबसे ज़्यादा कारगर है, बशर्ते हम सब लोग इकट्ठा होकर उस लड़ाई को बड़ी करें और समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय को न्याय और हक की लड़ाई को साथ देने के लिए समता सैनिक दल हमेशा साथ में रहेगा और देशवासियों से भी अपील है कि वे इस लड़ाई में साथ में आए।
6 दिसंबर के आज के दिन हमारे साथ स्मारक दीक्षा भूमि स्मारक समिति के विलास जी गजघाट हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। 6 दिसंबर है, स्मृति दिन है, महापरिनिर्वाण दिन है बाबा साहब का, क्या व्यक्त करेंगे उनके तरफ से आप, उनके लिए भावनाएं? आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दलित पीड़ित शोषित और बहुजन समाज था, जो बहुत ही जिनको कोई मान सम्मान नहीं था उनको मान सम्मान दिलाया, और इंसानियत का धर्म बुद्ध धर्म इसी नागपुर शहर के पवित्र दीक्षा भूमि पे उन्हें प्रदान किया। बाबा साहब ने अनेक हाल पे का और अनेक हाल करके शोषित समाज को न्याय दिया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिन के निमित्त मैं अपने परिवार की ओर से, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि की ओर से उन्हें विनम्र आदरांजलि अर्पित करता हूँ। और आज के दिन बाबा साहब ने जो इस समाज के लिए किया, तो समाज ने आज एक संग रह के उनकी जो आंदोलन है, उनका जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, उसका एकता कायम रखे और अपने समाज को न्याय दिया, ऐसा ही आज के प्रति उनके प्रति सही में कृतज्ञ होंगी और समाज एक संग रहा, ऐसी समाज को विनती करता हूँ और बाबा साहब को पुनः आदरांजलि अर्पित करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भी। मेरा एक विवादित आपसे प्रश्न है कि कहा जा रहा है कि दीक्षा भूमि अब हमारे बहुजन संगठनों के हाथ नहीं रही है और दूसरों जो मनुवादी कह सकते हैं उनके हाथों में चली गई है। जो पहले कार्यक्रम वहां पर हुआ करते थे प्रबोधनात्मक, बाकी सभी जो अभियान चलाए जाते थे उस पर कहीं ना कहीं गदा आ गई है, तो क्या इसके बारे में आप बताएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो दीक्षा भूमि से बदल नहीं सकती, और आज जो वातावरण है, जो कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि ये दीक्षा भूमि आरएसएस के ब्राह्मणों के हाथ में गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह दीक्षा भूमि के स्मारक समिति का पूरा कंट्रोलिंग है और धम्म का जो काम है वो चलता रहेगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं चळवळ में से आया हूँ, 40-42 साल चळवळ में रहा हूँ, जब तक हमारे जान में जान है बाबा साहब की दीक्षा भूमि, ये बाबा साहब के विचारों से अलग हो नहीं सकती। और जिनके नाम लिए जाते हैं वो जो नाम है वो यहाँ हमारे यहाँ काम करने वाले नौकर है, वो उनके हाथ में किसी भी प्रकार का कोई दीक्षा भूमि का मैनेजमेंट नहीं है। दीक्षा भूमि का मैनेजमेंट ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति ही करती है। गलत अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहा जा सकता है कि दीक्षा भूमि जो हमारा प्रथम नागपुर का धम्म स्थल है, तो आज की इस भीड़ को देखते हुए क्या कहा जा सकता है कि संविधान चौक दूसरा धम्म स्थल बन गया है? संविधान ये आंदोलन का केंद्र भी रहा है, और ये जो पुतला सकाराम जी मिश्रा महापौर थे, उन्होंने जब बैठाला था तो पवित्र दीक्षा भूमि स्मारक समिति पे अभिवादन करने के बाद ये सारा बौद्ध समाज, और बौद्ध समाज ही नहीं तो भारत और इस नागपुर शहर में रहने वाले भारत देश के सारे धर्म अनुयायी जो बाबा साहब को मानते हैं, वो यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करते आते हैं। और जितने भी संगठन हैं, अनेक जाति धर्म के लोग जो इस संविधान चौक से पर या जो पहले रिजर्व बैंक था, रिजर्व बैंक चौक के नाम से जाना जाता था, वो संविधान चौक पे सारे आंदोलन समाज के लिए करते हैं, वो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक, ये एक केंद्र बन चुका है। और उसी एक और ये पूरे नागपुर शहर के लोग इस बाबा साहब को आदरांजलि देने के लिए आज के दिन पूरे आए हैं। नागपुर के संविधान चौक पर आज 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सभी अम्बेडकरी अनुयायियों के साथ समस्त भारतवासी, समस्त नागपुरवासी यहाँ पर उन्हें नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। सभी ने नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, सभी का यही कहना है। काफ़ी यहाँ पर भीड़ थी, दीक्षा भूमि के साथ साथ यहाँ पर भी सभी अम्बेडकरवासी मौजूद थे और उन्होंने बड़े ही नम आँखों से डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी का यही कहना था कि अम्बेडकर इस वक्त भी हमारे साथ, उनके विचारों के साथ और उनके कार्यों के साथ हमारे साथ मौजूद है। उनके द्वारा दिए गए संविधान के साथ अम्बेडकर आज भी जीवित है, ऐसा सभी अम्बेडकरी अनुयायियों का, सभी नागपुर वासियों का कहना था। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन राजू चंगिटवार के साथ मैं आचल लोखंडे, नागपुर। Thank you.
वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट थ्रिल राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK कॉटेजेस, वेल डिजाइन डाइनिंग एंड डॉर्मेटरी एंड बेनिफिट्स हॉल। और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिसॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टेक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।